खामागनी, वेलकम टू कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आ रहा है करवा चौथ। हमें करनी होती है बहुत सारी तैयारियां, खूब सारी शॉपिंग। और मैं हूं अभी देहरादून में और मुझे यहां का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो हम जा रहे हैं पल्टन बाज़ार। आइए देखते हैं क्या मिलता है पल्टन बाज़ार में। छलनी और ये थाली, ये हम अभी करेंगे डेकोरेट। ये हमने लिया है पानी के लिए लोटा, इसी में हम लेकर आए हैं मिट्टी का करवा जो कि हमारे पूजा के लिए यूज में आएगा। और वहां पे हमने और शॉपिंग की है, जैसे बिंदी, काजल, सिंदूर और बैंगल्स। जा रहे हैं आपको कैसे करें करवा चौथ की थाली डेकोरेट। वैसे तो मार्केट में आपको डेकोरेटेड थाली ऑलरेडी मिल जाएगी, बट अपने आप से डेकोरेट की हुई थाली की बात ही कुछ और है। हमें चाहिएगा उसके लिए कलर्ड पेपर शीट, मिरर, फोम शीट के फ्लावर्स, फेविकॉल, गोटा लेस और आर्टिफिशियल फ्लावर। ये सब चीजें आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पे इजिली अवेलेबल होंगी। अब हम लगाएंगे इस पे फोम फ्लावर्स। वैसे ये स्टिकर फ्लावर्स हैं, अगर आपको स्टिकर फ्लावर ना मिले और ऐसे ही फ्लावर मिले तो आप फेविकोल से भी चिपका सकते हैं इसे। अब हम लगाएंगे, ये है फ्लावर्स आर्टिफिशियल, ये हम लगाएंगे आउटर साइड पे। आउटर साइड पे हमने पेपर नहीं लगाया तो ये थोड़ा सा स्टिक होने में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम लगाएंगे डबल साइडेड टेप। उसके ऊपर हम लगाएंगे ये माला। अब हम रेडी करेंगे हमारी छलनी। उसके लिए हमें चाहिए होंगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स और टू वे टेप। ये हो गई हमारी छलनी रेडी। ये कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम सजाएंगे इसे। इसके लिए हमें चाहिए होगी सेम कलर्ड पेपर जो हमने अपनी थाली में लगाया था।
लगा दिए हैं इस पे फोम के फ्लावर्स और ये हो गया है हमारा पानी का लोटा भी रेडी। ये है करवा, इसे अब हम डेकोरेट करेंगे। इस पे हम पेपर नहीं लगाएंगे, तो हमें चाहिए एक गोटा लेस और कुछ कटोरी सीक्वेंस। तो हम इस पे लगाएंगे फेविकॉल। तो ये हो गया हमारा करवा रेडी। तो देखिए ये हो गया हमारा करवा चौथ के लिए सब कुछ रेडी। ऐसे ही आप भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके अपनी थाली बिल्कुल डिफरेंट डेकोरेट कर सकती हैं और हो सकते हैं सबसे अलग। अगर आप भी अपनी थाली डेकोरेट करें तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। कैलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ।